तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो बहुत लोगों को कमेंट रहा था कि आप जो कि जहाँ पर रह रहे हैं उसका होम टूर कराइए। तो दोस्तों फाइनली वो वीडियो लेकर आ चुके हैं। दोस्तों ये मेरा घर है या रेंट पर रहते हैं या मतलब किसी रिलेशन के यहाँ, पूरा आप सभी को जानकारी मिलेगा वीडियो के लास्ट में। तो आप लोग कंप्लीट इस वीडियो में बन रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये गेट है और यहाँ पर गेट है। तो चलिए आप सभी को अब अंदर रूम में लेके जाते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक नल लगा हुआ है सबसे पहले। तो आप बाहर से मतलब हम लोग आते हैं तो इसी नल पे गोर धोते हैं, उसके बाद यहाँ पे साफ़ी है, पैर साफ़ी, तो वहाँ पे बोरे पर पैर को साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक अनार का पेड़ लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर ना एक गिरगिट है यहाँ पर बैठे हुए। तो चलिए अब आप सभी को रूम में लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर गेट लगा हुआ है देखिए, तो ये गेट बहुत मस्त है और अच्छा भी है और भारी भी बहुत है। तो यहाँ एक इन्वर्टर लगा हुआ है जो कि लाइट उठ कर जाता है, तो उसके बाद इसी से लाइट जलता है। और यहाँ पर देखिए टाइल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर देखिए ऊपर जाने का, छत पे जाएंगे तो इसी से जाएंगे और ऊपर नहीं आप सभी को ले जाएंगे। और यहाँ पर बाथरूम है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा दिखा देते हैं इसका भी। और यहाँ से वॉशरूम, तो देखिए यहाँ पे बाथरूम है और यहाँ पे ही नहाने का और कपड़ा खींचने का सुविधा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों झरना भी लगा हुआ है, तो इस झरना से नहाने के मन रहेगा तो यहाँ आएंगे। और यहाँ पे जो कि बहुत अच्छे हैं, रूम बहुत अच्छा है। तो चलिए अब आप सभी को किचन दिखाऊँगा। तो यहाँ का लुक तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का। तो चलिए अब निकलते हैं और किचन दिखाएंगे आप सभी को। और यहाँ पे वाशरूम है धोने वोने के बाद। और दोस्तों चलिए यहाँ पर देखिए एक यहीं से मोटर लगा हुआ है, मोटर, तो ये मोटर है और यहीं पे फिट किया हुआ है। और यहाँ पे टगना है चूँकि कपड़ा वपड़ा सुखाना होगा तो इसी टगना पर सुखाते हैं। तो चलिए अब यहाँ का तो हो गया, अब लेकर चलते हैं किचन रूम। तो ये रहा किचन, लाइट जला देते हैं। लाइट का स्विच यहाँ पे है और यहाँ पे नल पानी आता है। और ये तो आप लोग पहले वाला ब्लॉग में देख लिए थे जहाँ पे हम लोग शूट किए थे, और वहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है और यहाँ पर इस तरह का है। और यहाँ पे मिक्सिंग मशीन का जो ऊपर का होता है जिसमें मसाला पिसाता है, वो उधर बर्तन रखते हैं और इधर मसाला जो कि इधर रखते हैं। और यहाँ पे खाना भी कुछ बने हुए हैं और अभी मेरे पास रखने के लिए ज़्यादा सामान नहीं है, बट धीरे धीरे सब कुछ खरीद लेंगे। और यहाँ पे टंकी लगाए हुए हैं और यहाँ पे इसे ऐसे बिछाए हुए हैं और ये इस तरह से इसका कुछ जो लुक है देख सकते हैं। और वहाँ पे लाइट एक ही हुआ है, तो चलते हैं उस वाले रूम में लेकर आपको। तो ये रहा रूम, इसी रूम में हम रहते हैं और रहती है। तो यहाँ पर गुड़िया जी चिकू को माथा घूम रहे हैं और उधर साला जी सोए हुए हैं। और रूम देखिए इस तरह है और यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है और यहाँ पे ना सारा पुट्टी किया हुआ है, कुछ कुछ उजरा भी हुआ है। और यहीं से ये हो गया, पंखा चलेगा इसी से, पंखा नया लगाए हैं जो कि मार्केट से ख़रीद के, बजाज कंपनी का। और इसे और तेज़ करते हैं, देखते हैं कितना ये लाइट लाइट कटा हुआ है इसके कारण से मुझे ज़्यादा नहीं चलेंगे। और इधर कपड़ा उपड़ा टांगने का है और यहाँ पे चिक्कू का ये खिलौना है जो यहीं पे रखे हुए हैं। और इसे ना ये पापा मम्मी इसे बहुत ही अच्छी को। और यहाँ पे अभी मतलब और सामान रखेंगे जैसे फ़ोटो वोटो भगवान वगवान का और भी कुछ, क्योंकि अभी मतलब उतना सामान नहीं है मेरे पास तो यहाँ पे नहीं रखेंगे, रखे हुए हैं। तो ये जो जो सामान है वही मतलब रखे हुए हैं। और यहाँ पे चार्जर बस इतना ही, क्योंकि और आप सभी को अब मिलते हैं, अब आपको बताते हैं कि ये मेरा पर्सनल रूम है मतलब घर है या किराए पर है। दोस्तों जैसे कि आप लोग देखें जो कुछ कुछ जो कि रूम का टूर आप सभी को करवा दिए,
बहुत लोगों का कमेंट था कि ये रूम मतलब ये घर है जो आपका है या रेंट पे लिए हुए हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये मेरा घर नहीं है और ये रेंट पे लिए हुए हैं, ठीक है। बहुत लोग रिप्लाई में ही बता दिए हैं कि रेंट पे लिए हुए हैं, क्योंकि अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतना बड़ा घर खरीद सकूँ या बना सकूँ, लेकिन बट ज़िंदगी में आगे हो सके तो मतलब अच्छा हम लोग ऐसा बना सकते हैं। बना सकेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेहनत तो कर ही रहे हैं, शायद आगे चल के ऐसा घर बने। और हम लोग मतलब दूर आए हैं इसीलिए कि कुछ आगे मतलब बढ़ें और मतलब बच्चे उच्चे को अच्छा परवरिश दें, क्योंकि हम लोग तो एक छोटा एज में शादी दिखी है और उसके बाद मतलब ना का कुछ काम करें और ना आगे बढ़ें तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए। तो ये मेरा खुद का घर नहीं है, ये रेंट का है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब ब्लॉग आएंगे। चलिए आज के वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, टाटा बाय।